get more such videos on law, do subscribe our channel Logical Guruji and hit the bell icon for notification and update. जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई गाइस, कंपनी लॉ के रिवीजन लेक्चर्स और कंपनी लॉ के अमेंडमेंट्स। सो गाइस, आपका जो इंतजार है वो खत्म होता है और जो हम लोग बहुत दिनों से बातें कर रहे थे वो आपके सामने आ चुका है। ठीक है, आपको पता है मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपके लिए रिविजन लेक्चर्स प्लस अमेंडमेंट वीडियोज लेके आऊंगा कंपनी लॉ की। तो हियर इट इज। सो गाइस, तुषार पहाड़े दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लॉजिकल गुरुजी। गाइस, क्या है इस वीडियोस में और क्या है इस लेक्चर्स के सीरीज में, ये जान लीजिए अच्छे से और डेफिनेटली आपको मजा आएगा और बिल्कुल आप अच्छे से इस जून एग्जाम में, जून 19 एग्जाम में अपना रन दिखा पाएंगे एग्जाम में और डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। मेरा ये दावा है और वादा भी है कि इस लेक्चर्स को पूरा सुनने के बाद आपके एग्जाम में 10-15 मार्क्स बढ़ेंगे। बस 10-15 मार्क्स, हाँ जी 10-15 मार्क्स ही बढ़ेंगे, क्योंकि मैं तो आपको ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको 45-50 मार्क्स लाने की आपकी काबिलियत है। मैं आपको 10-15 मार्क्स बढ़ा के दूंगा। आप अगर जीरो से देख रहे हो ये लेक्चर को तो डेफिनेटली ये काम में नहीं आने वाले, कभी नहीं आएंगे। ठीक है ना, इट इज अज्यूम्ड दैट आपने पूरा का पूरा पढ़ाई कर लिया है, तब जाके आप रिविजन करेंगे और साथ साथ में अमेंडमेंट्स देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ज्यादा टाइम लूंगा नहीं और तुरंत आऊंगा आपके इस डिस्क्लेमर और इस कंटेंट में कि क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। आप अगर देख सकते हो स्क्रीन पे, आपको मोटा मोटी 9-10 वीडियोस मिलेंगे। आप देख सकते हैं आपकी प्लेलिस्ट में ये वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। ये पहला लेक्चर है, पहला पार्ट है, इसके बाद के सारे लेक्चर्स आपको एक के बाद एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, 9-10 वीडियोस रहेंगे, तकरीबन 11-12 घंटे का कंटेंट रहेगा। ठीक है, तो कंटेंट पूरा 11-12 आवर्स के अंदर रहेगा जो आप देख सकते हो सामने में। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या क्या कवर कर रहे हैं, हम लोग रिविजन लेक्चर्स कवर करने वाले इसमें और ऑब्वियसली कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 में जो आया था वो, और कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो 18 में आया था और फिर बाद में वो ऑर्डिनेंस 6 हफ्ते के अंदर पास होना चाहिए जो नहीं हुआ, पार्लियामेंट्री असेंबल नहीं हुई, फिर हमने फिर से ऑर्डिनेंस पास किया 2019 में और हमारे पास वही 2 नवंबर वाले अमेंडमेंट्स है जो नए 19 में वर्ड यूज करके आ रहे हैं, बट है वो 2018 नवंबर वाले। ठीक है ना, तो अप्लीकेबल है। फिर नोट्स जो भी रहे, पूरे नोट्स जो है कंटेंट वाइज नीचे डिस्क्रिप्शन पे रहेंगे। आप नीचे में जाएंगे, अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आपको सारे वो नोट्स निकाल डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। आप डाउनलोड करिए डेफिनेटली, चाहिए तो प्रिंटआउट निकाल लीजिए या फिर उसको मोबाइल पे रख के जैसा भी आप ठीक समझे पढ़ सकते हो। ठीक है ना, और ऑब्वियसली भूलने वाली बात तो नहीं है, बस शेयर करिएगा जितने भी लोगों के साथ आप शेयर कर पाओ, सो दैट अगर आप जैसे मैं आपके साथ अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक पहुँचाना है जो आप कर सकते हो। ठीक है ना, और अगर आपको लगता है कि मेरा गाना अच्छा था, मेरा पढ़ाना भी अच्छा है, तो डेफिनेटली प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, क्योंकि गाइस फ्री है, पैसे देने हैं नहीं आपने इस बात के, तो बस सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू में एक घंटी होगी उसको भी दबा दीजिएगा, सो दैट आपको वीडियोस रेगुलरली मिलते रहेंगे। ठीक है ना, तो आई होप दैट आपको पसंद आएगा ये तरीका जो मैं आपको करके दे रहा हूँ और आप जरूर से फायदा उठाएंगे इस कंपनी लॉ के अमेंडमेंट्स का एज वेल एज रिविजन का। ठीक है, पूरा देखिएगा, अलग अलग इसको स्किप मत करिएगा, लिंक मत तोड़िएगा, जो पहला वीडियो पहले वही देखिए, पार्ट वन फिर पार्ट टू पार्ट थ्री, क्योंकि सीरीज वाइज है, सेक्शन वाइज है। ठीक है ना, आगे पीछे उल्टा पुल्टा मत करिए। तो आई होप दैट इसको आप पढ़ेंगे और अच्छे से पास होंगे जून में और मुझे खुशखबरी देंगे। ठीक है कि आप पास हुए हैं और अच्छे मार्क्स के साथ आप एग्जीक्यूटिव के बाद प्रोफेशनल में जा रहे हैं, और जो बंदे एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल में हैं वो भी सीएस बन रहे हैं, अगर मेरा कहीं भी थोड़ा बहुत योगदान रहे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपका वीडियो स्टार्ट होगा 3-2-1 और ये स्टार्ट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे सब लोग, ऑल गुड। चलिए गाइस, सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे गैदर हुए हैं, एवरीवन इज अवेयर दैट वी हैव एग्जाम्स आफ्टर 50 डेज, राइट, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आपका पढ़ाई हो चुका होगा। ठीक है, बिकॉज लेट मी गिव अ डिस्क्लेमर फर्स्ट, बिकॉज जैसे मूवी शुरू होती है उसके पहले एक डिस्क्लेमर आता है, वैसे मेरा भी डिस्क्लेमर है दैट वी आर इनटू रिवीजन बैच। ठीक है, टुडे 6 आवर्स, टुमारो 6 आवर्स, 12 आवर्स उसमें ब्रेक हटा करके मे बी 11 आवर्स, 11 आवर्स में कोई बच्चा पूरा रिविजन कंपनी होकर करे ये मुमकिन नहीं है। तो ये एक अजम्पशन पे चल रहा है, अजम्पशन ये है कि आप लोगों ने पूरा पढ़ाई कर लिया है। ठीक है, रिविजन का मतलब होता है रिविजन, यू हैव
व्यूड एवरीथिंग, आपने सब पढ़ लिया है, मैं आपको सिर्फ क्या कराने वाला हूँ, एक क्विक रिवीजन, ठीक है। तो ये एक अजम्पशन ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि डिटेल में नहीं जा सकते हम लोग, हम हर चीज पे टच करेंगे, एवरी टॉपिक आई विल कवर, बट देन अगेन इट विल बी अ टच अप, ठीक है, सब चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। सेकेंड, आई विल बी कवरिंग ऑल द अमेंडमेंट्स एज पर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट एंड द सेकेंड इज कंपनीज ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट एक्ट। आपको पता होगा देर आर टू ऑर्डिनेंसेस अलग अलग, उसमें कोई कन्फ्यूजन है किसी को? ऑर्डिनेंस 2018 और फिर 19, तो दो दो ऑर्डिनेंस है कि एक ही है? ऑर्डिनेंस 2018 भी था और फिर 19 भी, आपको शायद पता होगा, और अप्लीकेबल 19 है, तो फिर 18 भी था 19 भी था, याद है दोनों में डिफरेंस? ऑर्डिनेंस पढ़ा है, ज्यूरिसप्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 123, गवर्नर पावर एंड प्रेसिडेंट पावर। तो आपको शायद पता होगा कि अगर कोई असेंबली सेशन में नहीं होती है, लोकसभा या राज्यसभा, तो उस समय में प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो कोई ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट कर सकता है, पास कर सकता है, और ऐसे में हम लोगों ने 2018 में ऑर्डिनेंस पास किया था, कुछ अमेंडमेंट्स को लेकर 30 अमेंडमेंट्स थे उसमें, बट देन उसमें एक रूल क्या होता है कि वो ऑर्डिनेंस क्या होता है, वैलिड होता है कब तक के? 6 वीक्स तक के, 6 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ रीअसेंबली। रीअसेंबली हुई थी दिसंबर में, बट बिकॉज ऑफ वन असेंबली पास किया, दूसरी नहीं कर पाई, तो वो क्या हुआ, लॉ पास नहीं हो पाया, और फिर गवर्नमेंट ने आनंद फरान ने फिर एक और बार क्या कर लिया कि वो लॉ भी पास नहीं होगा, तो उन्होंने वन मोर टाइम क्या कर दिया, ऑर्डिनेंस पास कर दिया। और अब ऑर्डिनेंस पास होने के बाद असेंबली हो नहीं रही क्योंकि इलेक्शंस है, सो अब इलेक्शन के बाद या तो ऑर्डिनेंस बनेगा या तो फिर एक्ट बनेगा, वो जो भी, तो अब डिपेंड करेंगे। तो फिलहाल अभी जून एग्जाम के लिए अप्लीकेबल है, क्योंकि पहला ऑर्डिनेंस कब आया था, 2 नवंबर को, सो एज पर दैट हमको अप्लीकेबल है। तो ऑर्डिनेंस भी कवर करेंगे, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट भी कवर करेंगे, ऑलमोस्ट 50-60 केस लॉस, जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरा चैनल फॉलो करते हैं, उनको पता है कि केस लॉस में मेरा ज़्यादा वजन होता है, और केस लॉस ही हमारा यूएसपी एग्जाम में, ठीक है, वही आएगा। बिकॉज जब आप सीएस बन जाएंगे तो आपसे कोई ये नहीं पूछेगा व्हाट इज कंपनी, राइट डाउन द फीचर्स ऑफ कंपनी, दे विल बी गिविंग यू अ सिचुएशन कि भाई ऐसा ऐसा होता है, बताइए क्या करेंगे। तो दैट टाइम यू नीड टू फील एज अ कंपनी सेक्रेटरी, एंड सिंस आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम पास्ट 10-11 ईयर्स, सो आई थिंक दैट आई कैन कन्वे दिस मैसेज बेटर टू यू, दैट व्हाट अ कंपनी सेक्रेटरी इज एक्सपेक्टेड टू डू इन अ कंपनी, ठीक है, वो जो जरूरी चीज़ है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, आपको फील होना चाहिए एज अ सीएस, ठीक है। तो ये सब बातें हम लोग कवर करेंगे, राइट। सो विल कवर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑनली, क्विकली शुरू करेंगे। यहाँ पे कुछ बच्चे ओल्ड वाले होंगे, कुछ बच्चे नए वाले होंगे, कुछ सीए वाले होंगे, इसलिए मेरा तरीका एक ही होता है, आई टीच फ्रॉम द बेयर एक्ट, दैट इज सेक्शन वाइज, रादर देन कि आपका मॉड्यूल, क्योंकि आपका मॉड्यूल है, आपका जो सिलेबस है वो बहुत अजीब सा लगता है मुझको, कोई चैप्टर मतलब पहले दे हैव शेयर कैपिटल देन दे हैव प्रॉस्पेक्ट, जबकि पहले प्रॉस्पेक्ट होता है देन शेयर कैपिटल, बट सब उल्टा पुल्टा करके रखा है। सो मेरा तरीका बहुत सिंपल सा है, राइट फ्रॉम सेक्शन वन से शुरू करेंगे एंड विल गो विथ द फ्लो, राइट। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कमेंसमेंट, एवरी वन इज अवेयर 56 का एक्ट था पहले, ठीक है, वो 2009 में हमारा बिल बना, कंपनीज बिल 2009, एंड आई होप यू आर अवेयर द पर्सन हु वॉज इन्वॉल्व इन बिहाइंड बिल, डॉक्टर जे जे ईरानी, देर वॉज अ कमिटी, डॉक्टर जे जे ईरानी कमिटी, दे हैव मेड ब्यूटिफुल चेंजेस इन द कंपनीज अमेंडमेंट एंड ऑल दिस थिंग, एंड देन फिर बिल, सबको पता है एक्ट कैसे बनता है, वो बिल पहले कहाँ पेश हुआ, पार्लियामेंट, देन देर आर टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, वहाँ पे पास हुआ, देन वी वेंट टू द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट ने असेंट दिया, दैट वॉज ऑन 29th August 2013, एंड देन उसके बाद से हमारा एक्ट आ चुका था। बट मजे की बात ये कि आज तक के हमारा कंपनी एक्ट पूरा नहीं आया है, आपको पता है 3 सेक्शन अभी भी ऐसे हैं जो अभी तक के एनफोर्स नहीं हुए, उसमें से कई सारे सेक्शंस हट चुके हैं बिकॉज ऑफ IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, वो हट चुके हैं, वो चले गए सीएस प्रोफेशनल में। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कंपनी एक्ट का, क्योंकि सबको पता है सेक्शन वन होता है हर एक एक्ट में, एंड इट टॉक्स अबाउट 4 थिंग्स, टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड अप्लीकेबिलिटी। यू हैव कवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, द डेट ऑफ कमेंसमेंट वॉज 1st September 1872, एंड देन यू हैव रेड इट इज अप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, हाँ ये सब पढ़ते हो ना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ईयर है 1 जुलाई 1930, GST का है 1 जुलाई 2017, बट कंपनियाँ का कोई डेट ही नहीं है, क्योंकि कंपनी एक्ट एक स्ट्रेच में कभी क्या नहीं हुआ, एनफोर्स नहीं हुआ, अलग अलग टुकड़ों में हुआ, आपको पता ही है, बहुत टुकड़ों में हुआ, और अब तक ये पूरा पुराना कंपनी एक्ट नहीं हुआ और अमेंडमेंट आ चुके हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास चार जो पॉइंट्स है, टाइटल, एक्सटेंट, तो टाइटल इज द कंपनीज एक्ट 2013, एक्सटेंट इज ऑब्वियसली होल ऑफ इंडिया, कमेंसमेंट की डेट हमारे पास नहीं है, एंड अप्लीकेबिलिटी पता होगा आपको, किसको अप्लीकेबल है कंपनीज एक्ट 2013, 6 लोगों को, सेक्शन वन, बिकॉज दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टीच फ्रॉम सेक्शन वन ऑनली, ठीक है, बिगिनिंग से। तो सेक्शन वन अप्लीकेबल किसको है कंपनी एक्ट,
कोई जानता है सेक्शन वन के बारे में प्रॉपरली? ठीक है, दिस इज अवर गैजेट ऑफ इंडिया जहां पे लॉ पास होता है. ठीक है, देन सेक्शन वन एंड सेक्शन टू. सेक्शन वन एंड सेक्शन टू टॉक्स अबाउट द कैटेगरी ऑफ प्रिलिमिनरी. सेक्शन वन एवरी वन नोज दैट वी हैव फोर थिंग्स, एंड सेक्शन टू में नॉर्मली क्या आता है? डेफिनेशंस. हर एक्ट में सेक्शन टू में डेफिनेशंस है. सो व्हेन वी से अबाउट दिस वर्ड, इट इज एप्लीकेबल टू इन दिस फोर कैटेगरीज. द टाइटल इज द कंपनीज एक्ट 2013, एक्सटेंड इज ऑब्वियसली होल ऑफ इंडिया. कमेंसमेंट का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है हमारे पास, दैट वी डोंट हैव अ प्रॉपर डेट ऑफ कमेंसमेंट. एंड एप्लीकेबिलिटी इज एप्लीकेबल टू ओनली सिक्स टाइप्स ऑफ कंपनीज. फर्स्ट इज सेक्शन टू क्लॉज 20. कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ. सो कंपनी किसको अप्लीकेबल है? हर वो कंपनी को जो इंडिया में अप्लीकेबल, इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड. सो फर्स्ट पॉइंट, ऑल वो कंपनी. सेकेंड, आपने सुना होगा विच कंपनीज? इंश्योरेंस कंपनी. बट इंश्योरेंस कंपनी की तो IRDAI भी है, IRDAI है. थर्ड आप देखेंगे तो बैंकिंग कंपनीज है. बट बैंकिंग कंपनी के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी है और RBI एक्ट भी है. देन हाउ RBI एक्ट होने के बाद कंपनी का अप्लीकेबल होता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सेक्शन वन पे ही आता है, एक दो बार मैंने देखा हुआ है. सो ये मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. किस तरह से IRDAI के केस में अप्लीकेबल है कंपनी एक्ट? क्योंकि कंपनी एक्ट इज एप्लीकेबल टू कंपनीज. वेन वी टॉक अबाउट इंश्योरेंस कंपनी, पॉइंट नंबर टू, फॉर इंश्योरेंस कंपनी वी हैव IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी. फॉर बैंकिंग कंपनीज वी हैव बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. सो किस एंगल से बैंकिंग कंपनियों को कंपनी एक्ट एप्लीकेबल होता है? एनी गेस? मर्जर करेगी तब. ओके, हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनके खुद के अलग अलग CAG अपॉइंट करेंगे और फिर उस हिसाब से ऑडिटिंग वो लोग अलग करेंगे. तो देर आर मेनी पॉइंट जहां पे कि कंपनी एक्ट अप्लीकेबल होता है और कहां पे कई बार बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लीकेबल होगा बैंकों को. अच्छा, मैं आपको एग्जांपल दे तो समझ में आ जाएगा. IRDAI, अब जैसे इंश्योरेंस कंपनी है रिलायंस, LIC रिलायंस में जो IRDAI है वो किस पे बात करता होगा? चार बोर्ड मीटिंग लेना है साल में इसके बारे में कि प्रीमियम कितना लेना है उसके बारे में, प्रीमियम के बारे में, पॉलिसीज कैसी होंगे, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, IRDAI टॉक्स अबाउट बेसिकली द पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स. दे एक्चुअली डू नॉट टॉक अबाउट द बोर्ड मीटिंग्स और द AGM. लेट्स से रियल में तो नहीं करते, मान लो अगर करते भी होंगे, IRDAI बोलता होगा कि 6 AGM लेनी है या 6 बोर्ड मीटिंग लेनी है. कंपनी एक्ट बोलता है 1 AGM लेनी है. कंपनी एक्ट बोलता है 4 बोर्ड मीटिंग लेनी है मिनिमम. मान लो IRDAI ने बोला 6 बोर्ड मीटिंग लेनी है, तो किसको इंपॉर्टेंस देंगे आप, कंपनी एक्ट को कि IRDAI को? ओके, IRDAI ने बोला कि 2 बोर्ड मीटिंग लेनी है साल में, तो फिर कंपनी एक्ट कि IRDAI? कंपनीज एक्ट. अब बात बहुत सिंपल सी है, डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे सेक्शन वन को तो वहां पे लिखा हुआ है कि कंपनी एक्ट विल बी एप्लीकेबल टू इंश्योरेंस कंपनीज सो फार एज इंश्योरेंस एक्ट इज इनकंसिस्टेंट विद द कंपनी एक्ट. सो बहुत सिंपल एग्जांपल है, अगर इंश्योरेंस एक्ट बोलता है कम से कम 6 बोर्ड मीटिंग लो और कंपनी एक्ट बोलता है 4 लो, तो ऑलवेज बेटर इज टू टेक 6 बोर्ड मीटिंग्स बाय विच यू विल फॉलो बोथ द लॉस. बिकॉज द मोमेंट यू टेक 6 बोर्ड मीटिंग्स यू आर ऑब्वियसली टेकिंग मोर देन 4 बोर्ड मीटिंग्स, सो यू आर फॉलोइंग कंपनी एक्ट ऑल्सो एज वेल एज. बट द मोमेंट IRDAI सेज 2 बोर्ड मीटिंग्स, सर सॉरी, हम कंपनी एक्ट को फॉलो करेंगे फिर, क्योंकि फिर हम 4 बोर्ड मीटिंग लेंगे, और अगर 4 भी लेंगे तो IRDAI तो फॉलो हो गया ना, क्योंकि IRDAI बोलता है 2 लेंगे तो हम 4 ले रहे हैं. तो दिस इज हाउ कंपनी एक्ट अप्लीकेबल होता है IRDAI को. तो जब भी मैं बोलूँ इंश्योरेंस कंपनी को मेन एक्ट कौन सा अप्लीकेबल है, तो ऑब्वियसली IRDAI. जब जब IRDAI क्या करेगा, इनकंसिस्टेंट होगा कंपनी एक्ट से, दैट टाइम कंपनी एक्ट अप्लीकेबल होगा. ये केस लॉ बन के आ सकता है एग्जाम में. और ऐसे ही फिर पॉइंट नंबर 3, बैंकिंग कंपनीज. पहला इंपॉर्टेंट कौन सा लॉ रहेगा बैंकिंग कंपनी के लिए? ऑब्वियसली बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, टिल द टाइम दे आर टॉकिंग. बट अगेन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्रॉब्लम क्या है, वो क्या बात करेगा? इंटरेस्ट पॉलिसीज, बैंक रेट्स, मार्जिन क्या लेंगे, तो वो सब बातें. आई एम वेरी मच श्योर दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बोर्ड मीटिंग्स, AGM, लोन टू डायरेक्टर, और एक कंपनी में कितने डायरेक्टर होंगे, ये सब बातें बैंकिंग एक्ट नहीं करता. करता है तो फिर उसको भी रखो, इसको भी रखो, कंपनी एक्ट और बैंकिंग को, दोनों में से. यू हैव हर्ड अबाउट वन मोर कंस्ट्रक्शन कॉल्ड एज लॉ ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. यू हैव हर्ड अबाउट लिटरल, रीजनेबल, मिस्चीफ, बट देयर इज वन वर्ड कॉल्ड एज हार्मोनियस. यू नीड टू मेक अ हार्मनी बिटवीन बोथ द लॉस, बोथ द एक्ट्स. डू नॉट से दैट दिस इज बेटर, दिस इज बेटर, पॉसिबल नहीं. सर सब बने हुए कहाँ से? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से. हाउ कैन यू से ये बेटर है वो गलत है? नहीं, गलत कुछ नहीं है. वी नीड टू मेक अ हार्मनी. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सेक्शन नंबर 1 का क्लॉज 4.
which talks about applicability. So pehli company jo bhi company India mein incorporate hui hai. Second is the insurance company, third is the banking company, fourth is the company which are covered under electricity act, uske andar mein cover hoti hai. Fifth, we can take the example of ICAI, because fifth is a statutory companies, separate act. और अभी सही बताऊं तो आई एम ऑल्सो इन द बॉडी ऑफ ICSI. सो लेट मी टेल यू, ICSI का रूल है कि AGM कब होगी, साल में एक बार, और वो होगी 30 जून के पहले. हमारा ICSI के रूल्स में जो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 का, उसके अंदर में लिखा हुआ है कि AGM होगी हर साल 30 जून के अंदर, मतलब साल खत्म होने के 3 महीने के अंदर. हमारे यहाँ पे कोई नाटक नहीं है वो कि गैप बिटवीन टू मीटिंग शुड बी 15 महीना, और कुछ नहीं है, सीधा सीधा रूल है भैया. अप्रैल टू मार्च का साल होता है आपका, 3 महीने में आप अपना ऑडिट करवाइए और जून में आप AGM ले लीजिए. So we will follow ICSI Act or Company Act. So we'll follow ICSI Act, because we are, the moment we are taking within 30 June, sir, Company Act तो बोला है 30 September, पता है ना? AGM बड़ा होगा section number 96, revision करेंगे, but मैं फिर से बोल रहा हूँ, revision. एक और चीज़ बता देता हूँ disclaimer में, किसी को भी अगर लगा यहाँ पे क्लास के बाद 2 दिन बाद कि अरे बहुत मजा आया सर, बहुत कुछ सीखने मिला, तो ये आपकी बहुत बड़ी हार है. क्योंकि अगर आपको यहाँ पे सीखने मिल रहा है, यानी आपने अब तक कुछ पढ़ाई नहीं था. तो आपको ये लगना चाहिए, अरे सर हमको सब आता था, आपने तो सिर्फ टचअप करवाया. उसमें अगर आप बोलेंगे तुषार सर आपको हमको सब आता था, आपने नया क्या करवाया, तो मुझे बुरा लग सकता है, बट आपका जीत है इसमें, क्योंकि आपको जून में पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि आपको सब आता था. बट कहीं लगा, अरे सर ये तो बहुत खतरनाक बताया आपने. अगर अभी किसी को लग गया होगा सर हमने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं था 6 पॉइंट्स, तो आपका डेंजर चालू हो रहा है. क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी बातें कराऊंगा जो आपको लगना नहीं चाहिए कि मैंने कभी नहीं पढ़ा था करके, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत सारी है कंपनी आपके अंदर में. तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपको मैच करना है, ठीक है ना, दो चीज़ों को. तो कंपनी एक्ट सेक्शन नंबर 96 पढ़ा होगा आपने, AGM. नॉर्मली कंपनी लॉ के हिसाब से AGM नॉर्मली कब होती है, बाय द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. तो सेप्टेम्बर में करेंगे कि जून में करेंगे, तो सर हम ICSI लॉ फॉलो करेंगे. द मोमेंट यू टेक AGM विद इन 30 जून, वी आर एनी ऑफ फॉलोइंग द कंपनीज लॉ, बिकॉज वो 30 सेप्टेम्बर बोलता है. सिंपल. तो दिस इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द फिफ्थ पॉइंट. तो फिफ्थ पॉइंट भी क्लियर हो गया. और सिक्स पॉइंट कौन सा है, द बॉडी कॉर्पोरेट्स, ठीक है, कोई भी स्पेशल एक्ट के अंदर में जो आती है. तो ऐसे 4 से 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं सेक्शन 1 में. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द सेक्शन 1 सिंपल, टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एंड द मेन पॉइंट वॉज द फोर्थ पॉइंट, दैट इज द अब कंपनीज टू विच इज अप्लीकेबल, ठीक है. चलिए, सो दिस इज समथिंग. एंड देन डेफिनेशंस बहुत सारी सेक्शन 2 में, तो वी आर नॉट गोइंग टू कवर. आपने सुना होगा डेफिनेशंस, सेक्शन 2 क्लॉज 20 तो सबको पता ही है, डेफिनेशन ऑफ कंपनी. देन और कुछ किसी को याद है, सेक्शन 2 क्लॉज 6 एसोसिएट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 46 होल्डिंग कंपनीज, 2 क्लॉज 87 सब्सिडियरी कंपनीज. देयर आर सम अमेंडमेंट्स एंड मैं पूरा कवर कराऊंगा, ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं आएगा कि सर ये अमेंडमेंट छूट गया करके, समय समय पर कराऊंगा, ठीक है. जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता जाएगा वी विल कवर द अमेंडमेंट्स ऑल्सो, ठीक है. तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 76 रिलेटिव वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है. तो डेफिनेशंस में कवर नहीं कर रहा क्योंकि देयर इज नथिंग टू टीच इन दैट, बिकॉज सेक्शन 2 क्लॉज 18-19 पढ़ा है आपने, CEO CFO. डेफिनेशन में हाथ ज्यादा तो कुछ बताते ही नहीं है, बिकॉज द मोमेंट दिस इज कंपनी मीन्स अ कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 20 दिस इज कंपनी मीन्स. अच्छा वो बता दिया, मतलब हम मैं तो बोल रहा था कंपनी मीन्स अ पार्टनरशिप फर्म, बट दे टोल्ड कि कंपनी नहीं, तुषार सर गलत है, कंपनी मीन्स अ कंपनी. सो ऐसे डेफिनेशन तो है वहाँ पे हमारे पास. सो रादर देन गोइंग टू डेफिनेशन वी विल कवर विद द प्रोविजन, ठीक है ना. अच्छा, बिफोर गोइंग टू एनीथिंग एल्स ये भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम है नॉर्मली आपको आ सकता है बेसिक सा चैप्टर, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला. That there are 2-3 meanings of company. एक तो हो गया definition, section 2 clause 20 के मुताबिक, ठीक है. One is the definition, ठीक है. What is definition? ठीक है, तो company में से company which is formed and registered under this act, the moment we say this act मतलब obviously 2013 or any the previous company, that is 56 भी था. You might be aware before 56 we have 1913 also. Even if I tell you company में जो Tata Steel है, इट वॉज इंकॉर्पोरेटेड इन 1907, मतलब सर वो तो 56 में भी कवर नहीं थी और 13 में भी कवर नहीं थी, 1913 उसके भी पहले की एक्ट भी कवर थी. तो कंपनी एक्ट हमारे पास बहुत पहले से चला हुआ रहा है, ठीक है ना. एनीवेज, सो ये तो हो गया डेफिनेशन. इंग्लिश में अगर बात करें तो ये दो वर्ड सबको, ये भी सबको पढ़ाया गया होगा बेसिकली, दैट देर आर टू वर्ड, द कॉम एंड द पनिश. द कॉम मीन्स बेसिकली वॉट पढ़ा है ना, लैटिन वर्ड से ओरिजिन हुआ है, ठीक है. कॉम टुगेदर, ठीक है, टुगेदर विथ, एंड पनिश बेसिकली मीन्स हैविंग मील. तो वेन टू पीपल गैदर टुगेदर टू हैव अ कॉमन पर्पज, टू हैव अ मील, वी कैन से दैट दे आर इन हैविंग अ कंपनी. बस वही वर्ड को कॉपी करके हम लोग कहाँ तक लेके गए, बिजनेस में. बीच में ये वर्ड यूज हुआ था
विश्व में 1300 में ये वर्ड यूज हुआ था वॉर वगैरह में. वॉर में भी अगर आपको कभी वॉर लड़ना है तो अकेले आप वॉर नहीं जीत सकते. यू नीड द टीम, यू नीड द कंपनी, यू नीड द टुगेदरनेस ऑफ द पीपल. सो मील हो या वॉर हो या बिजनेस हो, लॉ का अजम्पशन ये लिया उन्होंने कि जब जब बिजनेस करना है बड़े पैमाने पर वी नीड टू हैव अ पीपल ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, वॉलंटरी एसोसिएशन. ठीक है, ये भी बहुत ईजी सा है, सबने पढ़ा होगा वॉलंटरी एसोसिएशन. कुछ फीचर्स ऑफ कंपनी, इस पर कुछ नई बातें बता देता हूँ मैं आपको. वॉलंटरी एसोसिएशन, इसमें नया कुछ नहीं है बताने के लिए. सेपरेट एंटिटी, यू हैव हर्ड अबाउट द केस ऑफ सलमान वर्सेस सलमान एंड कंपनी. ठीक है, क्विकली विल कवर द केस. आपको पता होगा सलमान कौन था, एक मैन्युफैक्चरर था, बूट मैन्युफैक्चरर. ठीक है ना, ठीक है, बूट मैन्युफैक्चरर था, शू का उसका काम वाम था. एंड ही वॉज रनिंग अ विच कंपनी, विच बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस. ठीक है, देन उसके बेटे थे, वाइफ थी, बेटी थी. ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या थी कि बेटे और फादर में बात क्या हुई कि बेटे भी बिजनेस में लग गए. काम किसके नाम, किसका कंपनी किसके नाम पर है, फादर के नाम पर. कंपनी थी नहीं, मतलब सुपर पार्टनरशिप. अच्छा, चार बच्चे जब छोटे थे तो ठीक था, बट बड़े हो गए वही बिजनेस में लग गए. आज ही पता आपको सलमान वाली जो शूज़ की कंपनी, वो है अभी भी. ठीक है ना, तो बिजनेस में लग गए. अब बच्चों को थोड़ा ईगो का प्रॉब्लम आ गया, बच्चे होते ना पैसा देख के बंटवारे का वाली बात आ जाती है. तो बच्चों को लगा कि पापा आप सब, हम सब काम कर रहे हैं और आप नाम ले रहे अकेले, तो ऐसे तो गलत है, बंटवारा कर दो. पापा ने बोला बंटवारा तो नहीं होगा, एक काम करते हैं कंपनी बना देते सो दैट मैं और आप सब हम क्या बन जाएंगे, इक्वल. तो वैसा करते हैं. तो पापा ने कंपनी बनाई, कंपनी बनाकर साथ क्या बनाए, शेयर होल्डर बनाए. खुद भी बने, वाइफ को बनाया, बेटी को बनाया और चार बेटों को बनाया, सात लोग बन गए. और अब एज पर लॉ क्या होता है, इमोशनली कंपनी पापा की थी, सलमान की थी, और जो मतलब प्रॉपर्टीशिप और जो कंपनी बनी वो भी घर की बात थी, बट इन द आईज ऑफ लॉ टू थिंग्स आर डिफरेंट. तो कंपनी को हम लोग ने अपने असेट बेचा, असेट, गुडविल, प्रॉपर्टी सब कुछ, बदले में उसकी वैल्यूएशन निकली कुछ 37,682 pounds. ठीक है, वो निकली वैल्यूएशन. अब कंपनी पैसा कैसे देगी, तो कंपनी ने क्या इशू कराई, 20,000 pounds के शेयर्स इशू करी, 10,000 pounds के डिबेंचर्स इशू करी, सिक्योर डिबेंचर्स. इस वर्ड पर बहुत बड़ा पूरा गेम इसी वर्ड पर है, सिक्योर डिबेंचर्स. और बचा हुआ जो अमाउंट है 8782, वो कैश भी दे दिया. तो ऐसा करके बंटवारा हिसाब हो गया, तो बिजनेस चला चला. बट जब बेटे आ गए तो बेटे नालायक थे, वो बिजनेस चला नहीं पाए. एक दो साल में कंपनी हो गई लॉसेस में, कंपनी लॉसेस में हो गई. वाइंड अप वाला कहानी आ गई, वाइंड अप सबको पता है. असेट्स आर सोल्ड, मनी इज रिकवर्ड एंड देन पे टू आउटसाइडर. पहले आउटसाइडर फिर इनसाइडर. तो इमोशनली बोला जाए तो आउटसाइडर मतलब कौन, क्रेडिटर्स वगैरह. सॉलोमन का नंबर कब आना चाहिए, पहले के बाद, इमोशनली. बट पंगा ये हो गया कि उसके पास क्या थे, सिक्योर डिबेंचर. शेयर्स होते तो शेयर होल्डर सबसे आखिरी में आता, बट प्रॉब्लम थी उसके पास से डिबेंचर्स, वो भी सिक्योर डिबेंचर. और बाकी लोग थे क्रेडिटर, जो माल सप्लाई करते थे, चमड़ा, लेदर वगैरह, वो क्रेडिटर हो गए. बट क्रेडिटर्स आर ऑलवेज लेटर, बिफोर दैट वी नीड टू पुट द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, दैट इज डिबेंचर होल्डर. बस पंगा ये हो गया. तो सबसे पहले लाइन कौन लगा लिया पैसा मांगने के लिए, सोलोमन. बोले मेरे को पैसा चाहिए. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, वन सेड सर मदद कर रहे हो आप तो इनसाइडर हो. बोले सर नहीं, वो इमोशनली इनसाइडर हूँ, लीगली मैं कंपनी का कौन हूँ, सिक्योर्ड क्रेडिटर भी हूँ और मुझे पैसा मिलना चाहिए. और ये मैटर गया कोर्ट में, ऑब्वियसली जैसे छोटे कोर्ट में जाता है. छोटे कोर्ट ने पहले क्या सोचा होगा कि सोलोमन कौन, अंदर के कि बाहर का, अंदर का. किसको चेता दिया, बाहर वालों को. सोलोमन ने केस किया, क्योंकि आप खुद सोचिए केस का नाम क्या पड़ा, सोलोमन वर्सेस सोलोमन. तो केस करने वाला सोलोमन, केस कभी सोलोमन ने किया ही नहीं एक्चुअली, केस किया था बाहर वालों ने. और पहले जो छोटा कोर्ट था, जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो सबसे छोटा कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, तो वैसे तो छोटे कोर्ट में जब केस हुआ तो छोटे कोर्ट को लगा कि यार सोलोमन कौन है, अरे बच्चा बता सकता है सोलोमन इनसाइडर है, इसमें कोर्ट की क्या जरूरत है. कोर्ट ने बोला अरे कौन जीत गया, क्रेडिटर जीत गया. अब सोलोमन दिमाग खराब हुआ, उसने केस करा, अपील, एंड द नेम वॉज सोलोमन वर्सेज सोलोमन एंड कंपनी. और फिर वो ऊपर कोर्ट में गया, ऊपर वाले कोर्ट ने फिर भगा दिया सोलोमन को. ऐसा करते करते वी वेंट टू हाउस ऑफ लॉर्ड्स, द हाईएस्ट कोर्ट, जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है वैसे. और वहाँ के कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो आज तक पढ़ रहे हैं. कब की बात है, 1897 की बात है, और आज तक वो चल रहा है, क्योंकि वो लैंडमार्क जजमेंट बन गया. क्योंकि उस दिन कोर्ट ने बोला कि सर इमोशन बाजू रखो, रियलिटी ये है कि कंपनी अलग पर्सन है एंड सोलोमन अलग पर्सन है, और इस मुताबिक सोलोमन को पहले पैसे मिलने चाहिए. एंड दैट डे अमाउंट इज ऑल्सो गिवन टू सोलोमन फर्स्ट, एंड ऑल्सो इट वॉज डिसाइडेड दैट कंपनी अलग. तो ये जो वर्ड पॉइंट नंबर टू, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये वर्ड को ठप्पा कब लगा, तो वो लगा 1897 जब ये केस हुआ था सोलोमन वाला. अच्छा, अब इसमें किसी को ध्यान में आएगा, ऐसा भी कर सकते हैं. ठीक है, क्या कर सकते हैं, लेट्स से मैंने क्लास अनाउंस की दिल्ली में,
ठीक है, 70-75 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, सबने पैसे भरे, 30,000 रुपये जमा हो गए, मैं क्लास में लेने आया नहीं, ठीक है, मैंने इनसे डील करी नागेंद्र शाह सर से, और मैंने उनको बोला कि सर आपको मैं 50,000 रुपये दूंगा क्लासरूम के, ऐसे डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डील 50,000 रुपये दूंगा क्लासरूम के रेंट के, और 30,000 तो मुझे मिल रहे हैं, और 50,000 आप लीजिएगा, और मुझे सर एक काम कीजिएगा, थोड़ा 40,000 का लोन दे दीजिएगा, 40,000 का लोन दे दीजिएगा। तो सर बोले ठीक है सर, मतलब सर का रूम रेंट 10,000 ही हुआ, बट बदले में मैंने सर को बोला सर 50 ले लीजिए, मुझे 40 का लोन दे दीजिए। सर ने बोला ठीक है, डील डील। फिर बाद में मैंने क्या किया, लोन लिया, अब मैं लोन लिया कंपनी से और मुझे रिपे करना है। शाह साहब को मैंने क्या बनाया, कम इस एग्जाम्पल में डायरेक्टर या इंसाइडर बना दिया, और मैं क्लास में दिल्ली में क्लास लेने आया नहीं, तो केस कौन करेगा पहले? आप केस करोगे, सर हमने पैसे भरे, हमको पैसा चाहिए, आप केस करेंगे, और आपके साथ साथ शाह साहब भी केस करेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे 40,000 का लोन दिया हुआ है। बात समझ रही, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव बाय दिस एग्जांपल, दैट जब ये बात क्लियर हो जाए कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट होता है, तो कोई बंदा क्या करेगा, कंपनी बनाएगा, पैसे लोगों से रेस करेगा, देन उसके अंदर माल प्रैक्टिस करेगा, एंड किसी ऐसे बंदे को अपना एक बंदा बना देगा जो बंदे का पहले क्लेम आएगा, मतलब पैसे आपके, वही पैसे पहले उनको दिए, उनसे मैंने ले लिए, और उनको मैंने क्या लगाने के लिए बोला, सर आप लोन दिखाओ करके। अब लोन कभी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पैसों के पहले, और मैं दिल्ली भी नहीं आऊँ, बैठे बैठे घर बैठे बैठे 35,000 कमा लूँ, और सर को मैं पैसे को दे दूँ बिना आए, तो अच्छी डील है ना, क्योंकि अगर यही होना है, सोलोमन जीत रहा है हर बार, तो ऐसे तो फिर सब लोग कंपनी बनाए और सब लोग गलत काम करें, तो फिर दैट टाइम आपको पता होगा एक कंसेप्ट आया लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट रूल, उसमें यह बोला गया कि सर कंपनी सेपरेट एंटिटी तब है जब अच्छे पर्पज की कंपनी बनाया जाए और अनजाने में सब कुछ लॉस हो जाए। सर जो आपने एग्जाम्पल अभी लिया क्लासरूम वाला, वो तो था क्लियरली दिख रहा है गिल्टी माइंड वाला, और ऐसे में वेन यू हैव अ फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, देन द पर्सन विल नॉट बी अलाउड टू टेक शेल्टर बिहाइंड द नेम ऑफ द कंपनी, और तब कंपनी को हम लोग इग्नोर करके उन लोगों को लायबल करेंगे, बट तब तो ये समझ में आया, दोनों साथ साथ आए, द मोमेंट कंसेप्ट ऑफ सोलोमन आया, सेम टाइम में कंसेप्ट कौन सा आया, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल वाला। तो सोलोमन वाले केस में कंपनी ने किसको बचाया, इनसाइडर को, इस अजम्पशन पे कि जो भी कुछ हुआ था दैट वाज जेन्युइन, रियल में कंपनी भी लॉस हुआ था, रियल में सब कुछ बर्बाद हुआ था, बट रियली देयर आर पीपल हु इनकॉर्पोरेट कंपनी फॉर फ्रॉडुलेंट पीपल पर्पस, देन द पीपल विल नॉट बी अलाउड टू टेक शेल्टर, एंड दैट टाइम वी केम विद द कंसेप्ट ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। ठीक है, तो वो भी हम लोग आगे आएंगे। देन ये भी आपने पता होगा लिमिट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी लिमिट होती मेंबर्स की, अनलाइक द केस ऑफ HUF या फिर पार्टनरशिप या फिर सोलो पार्टनरशिप। ठीक है ना, सक्सेशन, कंपनी सेपरेट फ्रॉम अदर्स, कंपनी में मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, कंपनी विल लिव फॉर एवर, ये सब रिवीजन में लेक्चर में कवर करने लायक चीज़ नहीं है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी फ्री ट्रांसफरेबल, प्राइवेट कंपनी है तो ट्रांसफरेबल है, रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है ना, सेपरेट प्रॉपर्टी, इस पर केस है मैक्योर वाला, मैक्योर, ठीक है, उस केस में नॉर्दर्न इंश्योरेंस लिमिटेड, उसमें क्या हुआ था, नहीं करा सकता था, नहीं करा सकते क्योंकि कंपनी, ठीक है ना, सिंपल सा केस था, मैक्योर वाज अ ओनर ऑफ अ टिम्बर कंपनी, ठीक है, और सारी टिम्बर्स को उसने क्या किया था, इंश्योरेंस करवा लिया था, अच्छा हुई वाज अ कंप्लीट शेयरहोल्डर ऑफ द कंपनी, कंप्लीट, तो इमोशनली फिर वही लॉजिक लग गया, सर मैं सारा शेयरहोल्डर मैं ही हूँ, तो टिम्बर किसका, कंपनी का होगा सर, लेकिन मेरा ही है ना सर वो, कि कंपनी मेरी, शेयर होल्डिंग भी मेरी, तो टिम्बर भी मेरा, बट एक बीच में पॉइंट प्रॉब्लम क्या आ रही है, कि कंपनी सेपरेट पर्सन, और सच में बाद में फ्यूचर में क्या हो गया, उसने इंश्योरेंस करवाया इन द ओन नेम, बट टिम्बर वॉज बिलोंगिंग टू द कंपनीज नेम, और फ्यूचर में आग लग गई गोडाउन वगैरह में, पूरे टिम्बर चल गए, उसे केस किया। अब एग्जाम में देखना क्वेश्चन कैसे आता है, क्या ये जो लकड़ियाँ जली है, टिम्बर जले है, इसका क्लेम में पैसा मिल सकता था, क्वेश्चन पूछा जाए मिल सकता था, तो आंसर आएगा येस मिल सकता था, प्रोवाइडेड, फिर आपको लिखना पड़ेगा द इंश्योरेंस वुड हैव बीन इन द नेम ऑफ कंपनी। अब यही एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, पूछेंगे कि विल द कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी पे द क्लेम टू द मैक्योर, आंसर हो जाएगा नो, और क्वेश्चन वही आ जाएगा कि इज देर एनी चांस टू क्लेम द इंश्योरेंस क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, आंसर वुड हैव बीन येस। तो बहुत ध्यान से सुनना पढ़ना क्वेश्चन को एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन के ड्राफ्टिंग में खेल होता है। आपको मैं आज और कल के दो दिन में साबित करूंगा कि क्वेश्चन टफ नहीं होंगे, प्रोविजन भी टफ नहीं होंगे, जिस हिसाब से मैं ड्राफ्ट करूंगा, आपके सामने ड्राफ्ट करूंगा, एग्जाम के 50 डेज पहले आप बैठे हो यहाँ पे, और ध्यान रखना आप रिलैक्स बैठे हो,
एग्जाम में जब आप खुद जाओगे तब आप टेंशन में रहोगे, तब आपका माइंड अलग प्रेशर में रहता है, तब आप सोच नहीं पाओगे। और अभी मैं आपसे जब पूछूंगा सोचने के लिए, तो आप सोचना और आंसर देना, मैं जिस आपसे पूछूंगा उसका तरीका। आंसर बाद में आप खुद बोलेंगे सर तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट द ड्राफ्टिंग वॉज टफ। पेपर में सारा खेल ड्राफ्टिंग का होता है, ठीक है? ड्राफ्टिंग पूछेंगे आपसे टफ। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या इस इंश्योरेंस केस में क्या हम कंपनी से पैसा क्लेम कर सकते थे, आंसर वुड हैव बीन यस, प्रोवाइडेड इंश्योरेंस वुड हैव बीन इन द नेम ऑफ कंपनी। बट चूंकि अब इस केस में केस किसके नाम पे हुआ है, मैक्योर के नाम पे, क्या क्लेम हो सकता है? नो, ये केस हुआ था। और कैपेसिटी इश्यू, आपको अगर कभी केस करना तो किस पे केस करेंगे आप? कंपनी पे। और कंपनी को केस करना आप पे, तो आप पे केस करेंगे, ठीक है? ये भी आपने पढ़ा हुआ, ठीक है? इसके अंदर में पूरा आपको कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है? एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी हम लोग स्किप करते हैं, ठीक है? क्योंकि ये सब भी इस लेवल पे पढ़ाने लायक की चीज़ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, तो टू सिचुएशन यहाँ पे कि कॉर्पोरेट विल लिफ्ट हो सकती है, वन इज स्टैचुअरी। अच्छा, व्हाट इज कॉर्पोरेट विल, समझ में सबको आ गया है, ठीक है? फिर से वन मोर टाइम, कॉर्पोरेट विल का मतलब ऐसा होता है कि लॉ ने ऐसा अजम्पशन लिया, ये डायग्राम आप देख सकते हो सब लोग, ठीक है ना? इसका अजम्पशन ऐसा लिया गया है कि ये कंपनी हमारी, ठीक है, बीच में एक पर्दा अजम्पशन लिया जा रहा है और पीछे में तीन डायरेक्टर्स है या तीन शेयर होल्डर्स है। तो व्हेनेवर डी वांट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट एबीसी, अब डी से बात कौन किया होगा? कंपनी की एबीसी, सर कंपनी की भी बात थोड़ी करेगी, बात तो एबीसी किया होगा। बट अगर डी को केस करना एबीसी पे तो कभी नहीं कर सकता वो, उसको जाना पड़ेगा बीच में कंपनी की बिल्डिंग दिख रही होगी आपको, यू नीड टू गो थ्रू द बिल्डिंग ओनली, दैट इज द कंपनी के नेम पे होगा, जो भी होगा कंपनी के नेम पे होगा। कंपनी के नेम के पीछे में एक पर्दा दिख रहा है, वो आर्टिफिशियल पर्दा है, कोई रियल में पर्दा वर्दा नहीं है, और उसके अंदर में फिर तीन लोग छुपे हुए हैं। देर इज अ इशू बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइडर, द केस विल बी डन इन द नेम ऑफ कंपनी एंड देन कोर्ट विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल एंड देन कंपनी विल कोर्ट विल लायबल दोज पीपल हु आर बिहाइंड दिस माल प्रैक्टिस, जो भी गलत काम में इन्वॉल्व है। तो ये तरीका होता है, ठीक है? अब इसके दो तरीके बताए लॉ ने, ठीक है? ये को मैंने बोल चुका हूँ पहले भी, देर आर टू वर्ड्स, फ्रॉडुलेंट एंड डिसऑनेस्ट पर्पज। जब जब भी कंपनी ये काम करेगी तभी ऐसा होगा, ठीक है? चलिए, तो इसमें एग्जाम्पल सिंबल्स है, दो चार एग्जाम्पल्स है। ये तो अभी नया नया एक अमेंडमेंट भी आ चुका है, सेक्शन 3A करके पढ़ा होगा आपने, सेक्शन 3A, सेक्शन 3 इज कंपनी का फॉर्मेशन, बट 3A में एक पॉइंट आ चुका है दैट जब भी नंबर ऑफ मेंबर्स एक मिनिमम लिमिट के नीचे जाते हैं, मिनिमम लिमिट सबको पता है, ओबीसी में एक होती है, प्राइवेट में दो होती है, पब्लिक में सात होती है, नंबर ऑफ मेंबर्स। अच्छा, क्या नंबर ऑफ मेंबर्स एक लिमिट के नीचे जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। अरे सर, पब्लिक कंपनी 8 मेंबर्स है, 2 मर गए, 6 हो गए, जा सकती है? नहीं जाना, ये गलत पॉइंट नहीं। देखो, वी कैंट कंट्रोल द पास्ट, वी कैन ऑलवेज कंट्रोल द फ्यूचर। प्रॉब्लम मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक पब्लिक कंपनी में 8 मेंबर्स थे, क्या 2 मेंबर मर सकते हैं? बिल्कुल सर, डेथ है सर, वो कभी भी हो सकती है, 2 मेंबर तो मरना प्रॉब्लम नहीं सर, वो तो 2 मर गए, 6 हो गए, क्या आप 6 को 7 नहीं कर सकते थे? प्रॉब्लम क्या है? 6 मतलब 7 से नीचे आना कि 7 नहीं करना वापस? अगर आप लोगों में से कई लोगों ने अभी मैंने अजम्पशन लिया था कि आपने पढ़ लिया सब कुछ, अज्यूम्ड है सब कुछ, स्टिल मान लो कोई बच्चा यहाँ पे बैठा है जिसने आपसे पढ़ाई नहीं किया, बुक ही नहीं खोली, पहली बार पढ़ने आया है, तो ये प्रॉब्लम था, अभी भी टाइम है, क्या अभी भी आप जून में एग्जाम दे सकते हो, पास हो सकते हो? यस सर, अभी नहीं किया था तो नहीं किया था, वो पास्ट पॉइंट है, अभी भी वी हैव गुड टाइम। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, देयर आर टू थिंग्स, पास्ट एंड फ्यूचर। मेरे पास 8 मेंबर्स है कंपनी में, कंपनी में 8 मेंबर्स थे। एग्जाम्पल लेते हैं, एक प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है ना, एक पब्लिक कंपनी है, उसमें 8 मेंबर्स है, ठीक है? एक कितने हो गए, 5 हो गए, 6, ठीक है, ये 8 मेंबर्स है। सिंपल, ये सिंपल सी कहानी समझ आप सुनाता हूँ आपको, 2 मिनट में अच्छा लगेगा। तो 8 मेंबर्स है, अब इसमें से ये 2 जो है ना, एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है, ये बॉय ये गर्ल। अब लड़का है वो हिंदू है, लड़का जो है हिंदू है, लड़की जो है वो मुस्लिम है, तो प्यार है दोनों में, प्यार तो कभी भी हो सकता है, तो मज़हब थोड़ी देखता है, ठीक है? तो प्यार हो गया, लड़के या लड़की को प्यार हो गया, 6 मेंबर्स कंपनी में टोटल 8 है, प्यार हो गया। अब प्यार हुआ और घर के संस्कार इतने खतरनाक इन लोगों के कि ये डिसाइड किए कि हम शादी तो क्या करेंगे, घर पर बात करके करेंगे। तो दोनों ठीक है चलो, फिर दोनों मिलके पहले कहाँ गए, लड़के वाले के घर में गए। लड़का हिंदू था, उसने पापा को बताया, आपने पापा थे, भैया थे, मम्मी सब बैठी, बताया पापा को कि पापा ये लड़की है, वो भी नाम होगा, उससे शादी करनी है, जोया, जोया से शादी करनी है, ठीक है?
जोया देखा होगा अपनी मूवी, ठीक है, जोया से शादी करनी है। पापा बोले खबरदार ऐसी बात की है, तो हमारे घर में ऐसा नहीं होता है, तू शादी करेगा सिर्फ हिंदू लड़की से, ये जो हम देखे चुनेंगे ये। और भाइयों ने तरवा लवा निकाल ली वहाँ, तो दोनों लड़के लड़की दोनों वहाँ से घर से भाग गए डर के मारे। बोले घर पे तो बात हो नहीं रही है, फिर कहाँ चले गए? लड़की वाले घर में। बोले चलो लड़की वाले के माँ बाप से बात कर लेते, अगर वो हम हाँ बोल दे तो कुछ बात बन जाए। फिर वो गए लड़की वाले घर में, फिर लड़की वालों ने अपनी लड़की ने अपनी बात बताई, तो वहाँ पे उसके पापा थे अब्बू और भाई थे भाईजान, तो भाईजान बैठे, अब्बू जान, अम्मी जान, सब सबको बैठाया। तो लड़की ने बताया कि चार भाई थे, तो चार भाईजान हो गए, तो चार भाईजान अब्बू, तो सबको बोला कि अब्बू जान भाईजान ये मेरी जान है, तो इसे इसे शादी करनी है। तो भाई ने, भाई ने कहा तेरी जान ही ले लूँगा मैं, ठीक है। तो उन्होंने तलवार निकाली, बोले कि क्या है? मतलब तू मुस्लिम हो, शादी किससे करे हो? हिंदू से। खतरनाक। फिर भाई मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या करे, समाज में ऐसा हो रहा है। अब दोनों भाग गए और चले गए किसी एक तरफ, लाउड ओके, तो दोनों भाग गए और किसी एक तरफ जाके सोचे कि कहीं जाके बैठते हैं। तो चले गए किसी लेक के पास, झील के पास चले गए, तो वहाँ जाके बैठ गए एंड डिसाइड करते हैं कि क्या करे, शादी कर ले नहीं कर ले। मैंने पहले पता है संस्कार अच्छे हैं, संस्कार ऐसे है कि घर वालों के मर्जी के बिना शादी नहीं करेंगे। तो डिसाइड कर किया कि यार शादी कर सकते हैं नहीं, घर वाले घर देंगे नहीं, तो लेट्स सुसाइड कर लेते हैं। तो दोनों ने सुसाइड करने का प्लान बनाया। लड़के बोला लड़की तू पहले कूद जा, तू पहले कूद जा। तो लड़की कूद भी गई फट से। दो मिनट में बेचारी कूदी और मर गई। लड़का बचा। अब लड़के ने बोला कि मैं भी कूद जाता हूँ, बट उसने बोला एक बार देख ले तो कोई मिलती है क्या और आसपास। उसने देख लिया, कोई मिल तो रही थी, लेकिन उसने बोला कि नहीं यार मेरा भी प्यार सच्चा है। वो भी जम मार दिया, वो भी जम मारा, वो भी गिरा, मर गया, दो लोग मर गए। तो ये सब तो इमोशनल अलग है, लेकिन हमारे प्रॉब्लम कंपनी में हो गए कि 6 लोग बच गए, ठीक है। हमको कंसेप्ट आना है अभी, तो कंसेप्ट ये कि हमारे कंपनी में पब्लिक कंपनी में 8 लोग थे, ठीक है ना, अभी दो लोग मर गए, कितने बचे? हमारे बचे 6 लोग, ठीक है, 6 लोग बचे। तो अब कंपनी में वापस आते हैं, 6 लोग बचे, पब्लिक कंपनी है। अच्छा ये सब कब हुआ? सब कुछ कार्यक्रम कब हुआ? 14 फेब को, ठीक है, 2019। नहीं डेट इम्पॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, डेट इम्पॉर्टेंट है बहुत। 14 फेब को सब हुआ। अब उसके बाद बेचारे की डेथ हो गई, 2 लोग मर गए, 6 लोग बचे। अब कंपनी ने करा कॉन्ट्रैक्ट, बाकी 6 लोगों को अनजान थे, उनको मालूम नहीं 2 लोग कहाँ चले गए। जो बाकी 6 लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करे, 3 कॉन्ट्रैक्ट हुए कंपनी की में। एक हुआ कॉन्ट्रैक्ट 10 अप्रैल को, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ 6 जून को, और एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ 7 अक्टूबर को। 3 कॉन्ट्रैक्ट हुए कंपनी के बीच में, और तब तक की कंपनी कितने मेंबर्स हैं? 6 ही है, और 3 कॉन्ट्रैक्ट किए गए कंपनी में। 10 अप्रैल देख सकते हैं आप लोग डेट बराबर से, 6 जून और उसके बाद 7 अक्टूबर, 3 कॉन्ट्रैक्ट हुए कंपनी में, और तीनों कॉन्ट्रैक्ट में लाइबिलिटीज आई। मतलब तीनों कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गए? फ्लॉप हो गए। तीनों कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाए, सब कुछ, और ऐसे में लाइबिलिटीज आई। क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा कि क्या है तीनों कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनी लायबल है, क्वेश्चन। अब ये कहानी जो मैंने बताई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले उसको बाजू कर दे और रियल बात बता फट से। एक कंपनी थी पब्लिक कंपनी, एग्जाम में लिख के आएगा इंग्लिश में बकायदा, जैसे कंपनी लेट्स से सनशाइन एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, द कंपनी हैज हाउ मेनी मेंबर्स? 8 मेंबर्स, आउट ऑफ विच 2 मेंबर्स डाइड ऑन अ कार एक्सीडेंट और व्हाटएवर, एंड द कंपनी इज लेफ्ट विद 6 मेंबर्स ऑन द डेट ऑफ 14 फेब 2019। Now, after 14 February 2019, companies have entered into 3 agreements with the outsiders, dated so and so. And all the 3 agreements were repudiated, all the 3 agreements were breached. And तीनों पे company पे case हो चुके हैं, और तीनों पे company पे liability आ चुकी है। तो क्या company तीनों contracts के लिए liable होगी? Question mark. Just हाँ या ना फटाफट बताइए, कि ज़्यादा time नहीं, हमारे पास बहुत सारी बातें cover करनी है, ठीक है ना। ये अपन केस लॉज भी कवर कर रहे हैं और एग्जाम में आ रहा है ये सब बातें, तो ये सब आ सकती है एग्जाम में। एंड द होल क्वेश्चन विल गो फॉर हाफ पेज, क्वेश्चन इतना लंबा घुमा के बताएंगे कि हाफ पेज से क्वेश्चन चलेगा। क्या तीनों कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनी लायबल होगी? यस और नो? तीनों के लिए कि नहीं? तीनों कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनी लायबल होगी?
अच्छा, कोई लॉ पता है किसी को? आपका नाम भास्कर? यस, देखो मैं फिर से समझा था आपको, मेंबर्स क्या हो गए, चार छः थे, मतलब आठ थे, छः हो गए, कोई प्रॉब्लम है छः होने से? नहीं, लॉ ने खुद बोला है कि आई एम गिविंग यू सिक्स मंथ्स। अब ये पॉइंट आना का सबको, सबको लॉ ये शायद पता नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, लॉ ने क्या दिया हुआ है आपको? सिक्स मंथ्स दिए हुए हैं, लॉ ने आपको सिक्स मंथ्स दिए हुए, सिक्स मंथ्स किस बात के दिए हुए हैं? टू मेक इट सेवन, डू नॉट मेक इट एट, एट करना कंपल्सरी नहीं है, आप सेवन कर लो, सेवन तो कर लो, टिल सिक्स मंथ्स, अगर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसके लायबल कौन होगा? कंपनी लायबल होगी कि मेंबर्स लायबल होंगे? मैं पूछ रहा हूँ टिल सिक्स मंथ्स की बात पूछ रहा हूँ, टिल सिक्स मंथ्स तक के कंपनी लायबल होगी, क्योंकि लॉ का अजम्पशन ये है कि अभी भी टाइम है, हो सकता है 179th डे में मेंबर्स क्या हो जाए, अपॉइंट हो जाए आठवां सातवां मेंबर या जो भी है, तो लॉ ने अजम्पशन लिया कि सिक्स मंथ दैट इज 180 डेज के आसपास तक के लायबिलिटी किसकी होगी? कंपनी की। तो यहाँ पे डेट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो दो डेट जो दी गई है, तो दो डेट्स के मुताबिक तो लायबिलिटी कंपनी पे आएगी, बट जो थर्ड डेट है 7th अक्टूबर उस पर लायबिलिटी मेंबर्स पे आएगी। तो आपको ऐसे करके आंसर लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तो चार पैराग्राफ में आप लिखेंगे, पहले पैराग्राफ में यस द लायबिलिटी विल बी ऑलवेज ऑन द कंपनी प्रोवाइडेड द लायबिलिटीज वुड बी लास्टिंग टिल सिक्स मंथ्स, आफ्टर सिक्स मंथ्स द लायबिलिटी विल कम ऑन द मेंबर्स, ये पैराग्राफ वन लिखेंगे। पैराग्राफ टू में आप लिखेंगे लीगल प्रोविजन, सेक्शन का नाम, प्रोविजन का नाम, लीगल प्रोविजन। पैराग्राफ थ्री में आप लिखेंगे द फैक्ट्स ऑफ द केस, एंड पैराग्राफ फोर में आप लिखेंगे आपका वापस से कंक्लूजन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फोर पैराग्राफ हाउ टू राइट द केस लॉज। फर्स्ट पैराग्राफ यू शिल राइट आंसर, एंड आई ऑलवेज से आंसर विल राइट ओनली वेन यू आर वेरी मच श्योर अबाउट द आंसर, बिकॉज आई कैन सी हाफ पीपल सेड इन द क्लास यस तीनों में कंपनी लायबल है। द मोमेंट यू राइट तीनों में कंपनी लायबल है, तो मैं आगे के चार पैराग्राफ पढ़ने वाला नहीं हूँ आपका, क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तो मैं काट दूंगा, बोलूंगा यार बाद में देखते हैं। तो अगर आपको श्योर नहीं लग रहा है तो डू नॉट राइट फर्स्ट पैराग्राफ एज आंसर, डायरेक्टली स्टार्ट विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, पैराग्राफ टू सॉरी पैराग्राफ वन लीगल प्रोविजंस, पैराग्राफ टू फैक्ट्स ऑफ द केस, पैराग्राफ थ्री राइट द कंक्लूजन, बिकॉज एनी हाउ द पैराग्राफ वन एंड पैराग्राफ फोर आर सेम है, तो आप स्किप कर दो, एटलीस्ट मेक द एग्जामिनर रीड द क्वेश्चन आंसर, पढ़ने को मजबूर करो उसको, हो सकता है आपका आंसर रॉन्ग हो अभी भी, बट वो आपने जिस हिसाब से लिखा है अच्छा लग रहा उसको, हो सकता है पढ़ ले दो उसको, बट पहला आंसर में लिख दिया आपने अरे तीनों में लायबल है कंपनी, तो मैं नहीं पढ़ा, मुझे मालूम है कि आपने आगे भी गंदगी करी होगी, फिर तो मैं जीरो दे दूंगा बेटर, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट राइट ऑन द बिहाफ ऑफ एग्जामिनर। तो ये सब थोड़ी ब्यूटी होती है लिखने की, हाउ टू राइट एंड हाउ टू रीड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहला एग्जाम में आपको आ सकता है, और ऐसे में लायबल कौन होंगे, ठीक, आफ्टर सिक्स मंथ्स लायबल कौन होंगे? रिड्यूस मेंबर्स, ठीक है, जो मेंबर्स बचे दैट इज छः, उसमें भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, कि अगर वो बंदा मान लो उस छः में से दो बंदे इंडिया के बाहर होंगे एंड दे आर नॉट इवन अवेयर, इसलिए वहाँ पे ध्यान रखना कि जिनको ये सब पता है हु आर अवेयर अबाउट द फैक्ट्स, मतलब उसमें भी ट्विस्ट एंड टर्न्स है कि दस आठ थे, दो तो मर चुके, बचे छः, अब हो सकता है छः में से भी दो लोग कहाँ है, यूएस में रहते हैं, और वो मालूम ही नहीं है कि कंपनी में तीन दिन कॉन्ट्रैक्ट हुए भी है, दे आर नॉट इवन अवेयर, दे आर नॉट इवन साइंड एनीवेयर। तो जब सब कुछ उनको मालूम नहीं है तो फिर से लायबिलिटी उनकी नहीं हो सकती, वो डिपेंड करेगा, ठीक है, वो कैसे अपने आपको प्रूव करते हैं कि हम इसमें एक्सक्लूडेड है करके, ठीक है, लाइक दिस, समझ में आ रहे एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स और ये केसेस ध्यान को रखने हैं। वैसे इम्प्रॉपर यूज ऑफ नेम, कोई बंदा कंपनी के नाम को गलत उपयोग करे, ये सब इजी इजी है। फेलियर टू रिफंड एप्लीकेशन मनी, आपने कंपनी ने क्या किया, शेयर इशू किए और आपने अलॉट नहीं करा, चलता है अलॉट नहीं किया तो? बिल्कुल चलता है, चलता है, क्योंकि प्रॉस्पेक्ट इशू करना इज एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर, वेन पीपल अप्लाई इज एग्जाम्पल ऑफ ऑफर, एंड वेन अलॉट इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्टेंस। इफ यू डू नॉट अलॉट इट्स परफेक्ट ऑल राइट दैट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द ऑफर, चलता है। आपको अलॉट नहीं करना है मत करो, और होता भी है जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो व्हाट वी डू इज वी डू नॉट अलॉट एवरीथिंग, इधर वी गो फॉर प्रोराटा और वी इवन रिफंड द मनी, आप रिफंड करो। बट इन होशियार लोगों ने क्या करा, अलॉट भी नहीं किया, रिफंड भी नहीं किया। सर ये तो फिर गलती कंपनी की है, पर सर कंपनी करती है क्या, कंपनी ने बोला क्या कि रिफंड मत करो, कंपनी कैसे बोलती है, फिर कौन बोला होगा, कंपनी के अंदर के लोग, लायबिलिटी आ जाएगी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल, ठीक है। और इस पर तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है, फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग, जब जब आप फ्रॉड करेंगे, और एग्जाम्पल हमारे पास सही है विजय माल्या, रामलिंग राजू, नीरव मोदी, जब जब कोई बंदा इनसाइडर फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग करता है फिर तो सर हम वो लिफ्टिंग ऑफ बिल की बात ही नहीं चल रही है, फिर तो सीधा लायबिलिटी किस पर आने वाली है, उस बंदे पर ही, ठीक है, सीधा सीधा लिफ्टिंग ऑफ बिल, क्योंकि ट्रेडिंग ही फ्रॉडलेंट है। तो ये चार कैटेगरी कौन सी है, स्टैचुअरी, व्हाट इज सेइंग स्टैचुअरी, क्योंकि हर एक में सेक्शन 3A,
सेक्शन 12, 39, 339, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हर सेक्शन में, हर बातों में सेक्शन है, मतलब ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई है, एक्ट के अंदर बकायदा। बट जो जुडिशियल है उसका मतलब ये होता है कि दिस आर नॉट मेंशन इन द एक्ट, बैरेक्ट में नहीं मिलेगी। हालांकि ये आप बैरेक्ट खोल के देखो, कैन यू फाइंड द केस ऑफ सोलोमन, बैरेक्ट में, बैरेक्ट में कभी नहीं मिलेगा। दैट रिची वाला केस सुना, रिची वाला केस, एशबरी रेलवे कैरेज, वो केस पूरा खोल के देख लेना, बैरेक्ट नहीं मिलेगा। मॉड्यूल में मिलेगा, बैरेक्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि बैरेक्ट में मिलता आपको एक्ट सेक्शंस, और सेक्शन में रिची वाला केस नहीं आता, तर्कवण वाला केस नहीं आता, ठीक है। वो कहाँ पे केस आएगा आपका, वो केस आएंगे जुडिशियल केसेस में, ठीक है ना, जुडिशियल केसेस में वो चीज़ें आएंगी, ठीक है। इसके अलावा वी हैव जुडिशियल, जुडिशियल मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली कोर्ट केसेस। इसमें पहला केस इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला आपको पता होगा, एक तो हमने पढ़ लिया सोलोमन वाला, एक था दिनशाह वाला केस, दिनशाह मानिक जी पतित, ठीक है। व्हाट वाज द केस, छोटा सा केस था, ब्यूटीफुल केस था वो, दिनशाह डिविडेंड कंपनी, ठीक है ना। टैक्स इवेजन, ठीक है, किसी बंदे ने कंपनी बनाई क्या करने के लिए, टैक्स को इवेड करने के लिए, उसे चार कंपनी बनाई, चारों प्राइवेट कंपनी बनाई, उस कंपनी में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, सिर्फ एक ही काम क्या था, पैसे कमाए, उसको किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करे, वहां से कहीं और इन्वेस्ट करे। तो दिस इज हाउ द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द केस ऑफ दिनशाह, ठीक है। देन देर वॉज वन मोर केस ऑफ डेमलर, डेमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर, वो भी सुना होगा आपने केस, उसमें क्या हुआ था, डेमलर वाला केस, ठीक है। देर आर टू कंपनीज, जर्मनी एंड इंग्लैंड, एंड ये केस था 1916 का, जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस समय की केस थी। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब भी दो कंट्री में वॉर होता है, ये आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा, कंपनी लॉ में भी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा हुआ है कि दे आर एलियन एनिमीज, एंड एनिमीज से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, और ये लोग तो बकायदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। बट इन्होंने कहा, ये साबित किया कोर्ट में कि नहीं सर, कंपनी तो दोनों कंपनी कहाँ बनी हुई है, इंग्लैंड में, और वॉर तो किस में था, इंग्लैंड और जर्मनी में। तो अगर एक कंपनी जर्मनी की होती तो, हालांकि कंपनी दोनों कहाँ बनी हुई थी, इंग्लैंड में ही, तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन कहाँ हुआ है, इंग्लैंड में। सो एज पर नेशनलिटी कंपनी कौन सी है, इंग्लिश कंपनी, तो केस नहीं होना चाहिए सर। बट देन लॉ ने बोला कि सर एक कंपनी इंग्लैंड में, दूसरी कंपनी के प्रमोटर कहाँ से आते हैं, जर्मनी से, डायरेक्टर जर्मनी से, शेयरहोल्डर जर्मनी से, कंट्रोल जर्मनी से। और आप इनकम टैक्स पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी कंपनी के रेजिडेंस स्टेटस में बताते हैं कि अगर कंट्रोल अगर आउटसाइड से जहाँ से भी होगा वो कंट्री की कंपनी रेजिडेंट होती है, और कंपनी यहाँ पे कौन सी कंपनी कहलाई, जर्मनी वाली कंपनी, और जर्मनी वाली कंपनी अगर है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट जो था वो वाइट था या फिर जो भी था, जो डेट, जो भी डेट्स थे, उसके केस किस पे होगा, ठीक है। और वो केस पे साबित हुआ कि वी लिफ्ट का कि प्रमोटर कहाँ से बिलोंग करते हैं, जर्मनी से। देन देर वॉज अ केस ऑफ, वन मोर केस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस में, ठीक है, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, एक वो केस था, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड एक कंपनी थी, इस कंपनी में बहुत सारा प्रॉफिट होता था, एंड दे यूज टू ऐड द इनकम ऑफ अगेन डिविडेंड एंड ऑल दिस थिंग एज अ प्रॉफिट। अच्छा, आपने पेमेंट ऑफ बोनस एक पढ़ा होगा अगर लेबर लॉज में, तो पेमेंट ऑफ बोनस के मुताबिक 8.33% आपको बोनस देना होता है मिनिमम, विच कैन गो टू 20% ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रॉफिट, और जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा बोनस, क्योंकि परसेंटेज फिक्स्ड है। प्रॉफिट 100 करोड़ तो बोनस 8 करोड़, प्रॉफिट 1000 करोड़ तो बोनस 80 करोड़, तो प्रॉफिट पे बेस्ड है आपका बोनस पूरा। तो जितना मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा उतना मेरा बोनस बढ़ेगा। सो मेरी कंपनी के प्रमोटर सोचे कि यार बोनस क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो लेट्स एक काम करते हैं, क्या करते हैं, कंपनी एक और बनाते हैं, और जो डिविडेंड इनकम है जो क्या करती है, बोनस को, सॉरी प्रॉफिट को हमारी क्या कर रही है, इन्फ्लेट कर रही है, वो एरिया कहीं और डाल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, अगर मान लो किसी वजह से मेरे पास 40 बच्चे आते हैं, और एग्जाम्पल के लिए अगर इनकम टैक्स लग रहा है, 40 बच्चों के ऊपर पैसा आ गया तो इनकम टैक्स लग रहा है एग्जाम्पल, या कोई टैक्स लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 3 फर्म बनाऊंगा और 30 बच्चों को पैसे कहाँ जमा करने बोलूँगा, पहले लिंक के थ्रू, 30 बच्चे किसी और लिंक के थ्रू, और बच्चे 30 बच्चे किसी और लिंक के थ्रू, तो बच्चे उतने आएंगे बाबा 80-90, बट 3 फर्म के थ्रू कितने बच्चे आएंगे, 30-30-30, और किसी भी एक फर्म में इनकम टैक्स ही लगेगा या GST लगेगा एग्जाम्पल के लिए। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो गलत है ये, तो क्योंकि एंड ऑफ द डे रिसिपिएंट तो एक ही बनता है। तो ये सब का मालूम पड़ेगा जब हम बिल लिफ्ट करेंगे, तो दो कंपनियां जो बनाई गई वो दोनों कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट या कंट्रोल एक ही बंदे के हाथ में था, दोनों कंपनी का, और ये विल लिफ्ट की कैटेगरी में कवर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा आपको, तो ये चीज़ें थी। एक और केस था हमारे पास जिसका नाम था FG Films वाला, वो केस भी कहाँ, वो केस भी बहुत सिंपल सा था। व्हाट हैपेंड दैट केस,
FG Films, case of company between America and Britain. The company was supposed to incorporate film movie in India. India में movie क्या करनी थी उनको? Film करनी थी, movie India में बनानी थी. But for India movie बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? Company बनाई कहाँ पर? Foreign country में, that is Britain में. Company के promoter कहाँ से belong करते थे? US से. तो तीन country के involvement हुआ. Company कहाँ की? मतलब लोग कहाँ के? US के. Company कहाँ बनी? Britain में. और वो movie बना रहे India में. जैसे एग्जाम्पल है, एवरी वन नोज अबाउट द मूवी स्लमडॉग मिलियनियर. वो कैसे मूवी? डैनी बॉयल उसका डायरेक्टर था. मूवी की शूटिंग पूरी इंडिया में हुई, बट मूवी इज अ हॉलीवुड मूवी. वैसी वाली बात हो गई यहाँ पर भी कि मूवी इंडिया में बन रही है, बट प्रमोटर्स कहाँ के? अमेरिका के. कंपनी कहाँ बनाई गई है? ब्रिटेन में. तो इस पूरी कहानी में तीन कंट्री में से मेन कंट्री कौन सी? हमारी ब्रिटेन. और मूवीज अगर कंपनी ब्रिटेन की है तो कंपनी को जो सर्टिफिकेट मिलता है मूवी का, वो कहाँ से मिलना चाहिए? ब्रिटेन से. और ब्रिटेन के लोगों ने बोला, मतलब ट्रेड ने बोला कि सर ये कंपनी ब्रिटिश कंपनी है ही नहीं, क्योंकि प्रमोटर डायरेक्टर यहाँ तक कि मूवी का पूरा फंडिंग सब कुछ कहाँ से आ रहा है? यूएस से आ रहा है. तो सर जब सब कुछ यूएस से है तो कंपनी कौन सी है? यूएस की. ठीक है, तो ये सब जो हमने बातें करी यहाँ पे, ये सब एग्जांपल्स आपके पास मैंने आपको दिए हुए नोट्स वगैरह में. ठीक है ना, दिनशा वाला केस हमने बताया. ठीक है, डेमलर वाला केस हमने देखा. ठीक है, इट वॉज अ केस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. देन वी अंडरस्टूड द केस ऑफ एफ जी फिल्म्स. ये वाला भी केस देखा हमने, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड. द केस वॉज बिटवीन वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड. सो केस कौन कर रहा है? वर्कमैन कर रहा है. किस पर केस कर रहा है? अपनी कंपनी पे, क्योंकि उस कंपनी ने क्या किया, अपने प्रॉफिट को कम कराने के लिए एक और कंपनी बनाई. ठीक है, और एक और केस था गिल्फर्ड मोटर वाला, गिल्फर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न. इसमें क्या हुआ था? जब इसका बैकग्राउंड ऐसा था कि जब हॉर्न नाम का एक बंदा था जिसने क्या करा, अपनी कंपनी को बेच दिया. अच्छा, आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा होगा, जब कंपनी बेचते हैं तो यू ऑल्सो सेल द गुडविल. अब अगर हॉर्न ने अपनी कंपनी, तुषार पहाड़े, तुषार पहाड़े क्लासेस बेच दिया, पर तुषार पहाड़े किसी और नाम से बिजनेस शुरू कर दे तो मेरे बच्चे तो मेरे पास वापस आ जाएंगे. तो जो बंदा मेरा गुडविल बाय कर रहा है, वो बाय क्या किया? कुछ भी नहीं, क्योंकि उसे तुषार पहाड़े क्लासेस तो लिया, लेकिन बच्चा तुषार पहाड़े क्लासेस में लेता क्या है? कुछ भी नहीं, वो तो मेरे लेक्चर बाय करता है. तो इफ आई एम सेलिंग तुषार पहाड़े क्लासेस, कंडीशन इज दैट आई विल नॉट टीच फॉर नेक्स्ट टू ईयर्स और थ्री ईयर्स और वॉट एवर. ये कंडीशन पे हॉर्न ने क्या किया था? अपना बिजनेस किसको बेचा था? एक कंपनी को. दैट कि आप ये बिजनेस में वापस नहीं आओगे. और हॉर्न ने माना, हाँ बोला था मैं नहीं आऊँगा. और लेटर ऑन हॉर्न ने क्या किया? उसने अपने कुछ और एक कंपनी बनाई, और वहाँ पे अपने को क्या दिखा दिया उसने? एम्प्लॉई. डायरेक्टर कोई और, शेयर होल्डर कोई और, एंड ही शोइंग हिमसेल्फ एज एम्प्लॉई एंड ही सेइंग टू द पीपल, सर मैंने नहीं बनाई, बनाई किसी और ने, मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं तो एक एम्प्लॉई हूँ. तो कोर्ट ने बोला, सर विल लिफ्ट करते पता कर लेते तुम सिर्फ एम्प्लॉई हो कि कौन हो. तो जैसे विल लिफ्ट की मालूम पड़ा कि सर जो पैसा लगा रहा कहने के बंदा, वो उसका रिलेटिव ही है, पहचान का बंदा ही है. तो समझ में आ गया कि हॉर्न ने क्या करा, अपनी कमिटमेंट को तोड़ने के लिए क्या बनाई? कंपनी बनाई. मतलब हॉर्न ने वही किया जो उसने नहीं करना था, पर उसने बोला था मैं नहीं करूंगा. तो उसने क्या साबित किया? सर मैं नहीं कर रहा हूं सर, एक कंपनी अलग पर्सन है ना, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के पहले सेपरेट एंटिटी, कंपनी अलग है. तो कोर्ट ने बोला सर कंपनी अलग है. ये पांचों केस में कोर्ट ने बोला, ये पांचों केस में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? कि हर बार कंपनी बनाई जा रही है, और इसमें भी कंपनी बनाई गई. और कोर्ट बोलता मैं मना नहीं कर रहा कंपनी बनाओ, बट द कंपनी बनाने का जो पर्पस था वो क्या था? फ्रॉडुलेंट. कभी टैक्स छुपाना था पहले पॉइंट में, टैक्स वाले में, दूसरे वाले में इम्प्रॉपर कंडक्ट जो नहीं कर रहा था वही करने के लिए, तीसरे बीच में एनिमी वाला केस. तो हर केस में कहने गई आप कंपनी बना रहे हो फॉर डूइंग सम माल प्रैक्टिस, सम डिसऑनेस्ट थिंग. तो ये केसेस ऐसे बहुत है हमारे पास. ली वर्सेस ली फार्मिंग वाला केस सुना होगा आपने, कूपर वर्सेस कूपर वाला केस है. केस की कोई लिमिट नहीं है सर, बहुत है. फिर भी मैंने बहुत सारे केसेस कवर किए सो दैट आपको समझ में आ जाए. एंड आई कैन बेट यू आधे से कई लोग इसमें ऐसे होंगे जो पहली बार सुन लेंगे ये सब केसेस को भी, कि ऐसा कुछ होता है करके. ठीक है, ये एग्जाम में आते हैं, बकायदा लंबे चौड़े केस बन के आते हैं. ठीक है, दिस इज ब्यूटी ऑफ दिस टॉपिक. इंट्रोडक्शन था ये वाला. ठीक है ना, तो के कंपनी कैसे बनती है और विल लिफ्ट कैसे होती है, ये भी हमने डिस्कस किया. ठीक है, ये कुछ केसेस हैं यहाँ पे. तो इसका एक चार्ट दिया हुआ है, ये भी शायद आपने पढ़ा होगा, इलीगल एसोसिएशन सेक्शन 464. इसमें हमेशा एक डिबेट होती है 50 मेंबर्स 100 मेंबर को लेकर. क्या डिबेट है वो? इलीगल एसोसिएशन, इलीगल एसोसिएशन. अच्छा, उसके पहले बता दो आपको व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलीगल एसोसिएशन. एनीवन कैन टेल मी द आंसर शॉर्ट में? इलीगल एसोसिएशन बिजनेस इलीगल है कि नहीं? बिजनेस इलीगल नहीं है, एसोसिएशन इलीगल है.
लेट मी टेल यू, देर आर सिक्स टाइप्स ऑफ बिजनेस वी कैन डू. सोलो प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप, HUF, ये तीन मैं लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ, ठीक है, कंपनी, सोसाइटी, LLP, ये तीन राइट साइड लिख रहा हूँ. लॉजिक इसलिए है क्योंकि ये तीन जो है राइट साइड वाले, ये क्या हो सकते हैं, ठीक है, ये क्या हो सकते हैं, रजिस्टर हो सकते हैं. कंपनी रजिस्टर होती है, हो सकते क्या, होती है, LLP रजिस्टर होती है और पार्टनरशिप सॉरी सोसाइटी रजिस्टर होती है. लेफ्ट साइड वाली जो तीनों है वो रजिस्टर होने की कंपल्सरी नहीं है, प्रोपराइटरशिप भी नहीं है, पार्टनरशिप भी नहीं है और HUF भी नहीं है. आप सुनना मेरी बात अच्छे से, अगर आपके पार्टनरशिप फर्म में कितने मेंबर्स हैं, लेट से सुनो एग्जाम्पल, 50 मेंबर है, सॉरी आपके पार्टनरशिप फर्म में 50 मेंबर्स हैं, तो क्या आप सोलो प्रोपराइटरशिप हो, नहीं, HUF भी नहीं हो, रजिस्टर्ड नहीं हो, मतलब तीनों तो नहीं उधर वाले, बट आप पार्टनरशिप फर्म तो हो. बट मान लो अगर आपके पार्टनरशिप फर्म में 102 लोग हैं और आप रजिस्टर्ड हो, अच्छा रजिस्टर्ड हो मतलब क्या कहलाओगे फिर, या तो कंपनी सोसाइटी. आप रजिस्टर्ड भी नहीं हो और कितने लोग हैं मैक्सिमम कंपनी में, मोर देन 100, मान लो 102 लोग है अनरजिस्टर्ड फर्म में. अगर अनरजिस्टर्ड फर्म में 102 लोग है तो आप 6 के 6 नाम में नहीं आते, चेक कर लो. अगर आप 75 हो तो आप कहने की कहाँ आ जाते हो, पार्टनरशिप फर्म में तो आ जाते हो, यू कैन कम अंडर पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म कैन बी अनरजिस्टर्ड. बट अगर आपके पास 110 लोग है वो भी अनरजिस्टर्ड, अच्छा रजिस्टर्ड है तो फिर आप कहां पर रजिस्टर होंगे, या तो कंपनी में, या तो सोसाइटी में, या तो LLP में, तो बात ही खत्म हो गई. बट द मोमेंट यू हैव 110, टू बी वेरी प्रिसाइज मोर देन 100, यू हैव मोर देन 100 पीपल एंड दैट ऑल्सो अनरजिस्टर्ड, यू कैन चेक इट आउट. आप 6 के 6 में नहीं आते क्योंकि यू कैनॉट बी ए सोलो प्रोप्राइटर हैविंग 110 पीपल. यू कैन यू पार्टनरशिप फर्म वेयर यू हैव मोर देन 100 पीपल, यू कैंट हैव HUF एंड यू कैंट हैव राइट साइड 3 थिंग्स बिकॉज यू आर नॉट रजिस्टर्ड. सो वॉट इज द बॉटम लाइन, बॉटम लाइन इज दैट जब भी आप एक लिमिट के बाहर काम करते हो नंबर ऑफ मेंबर्स की ज्यादा और वो रजिस्टर्ड फॉर्म नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज इलीगल एसोसिएशन. दो द कंपनी द एसोसिएशन इज इन्वॉल्व इन टू हॉस्पिटल और चैरिटी और एग्रीकल्चर वॉट एवर, बिजनेस इलीगल नहीं है, एसोसिएशन इलीगल है, सेक्शन नंबर 464 के अंदर में कवर होता है, ठीक है. तो ये भी छोटा सा पॉइंट एक बार आपको ध्यान रखना है, राइट. तो गाइस ये हम लोगों ने कवर किया बेसिक से एक पॉइंट, ठीक है. इफ यू सी दिस, यहाँ पे तो मैंने कुछ पढ़ने लायक है नहीं, ये एक तो हमने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है ब्रीफ की क्या क्या है कंपनी एक्ट में, ठीक है. ये हमारे ढांचा है सिंपल सा, दैट कंपनी एक्ट टोटल हैड हाउ मेनी सेक्शंस, 470, आउट ऑफ विच 3940 सेक्शंस हैज बीन रिपील्ड एंड शिफ्टेड टू IBC, एंड देन वी हैव 430 सेक्शंस, उसमें से भी 2-3 सेक्शन अभी तक के नोटिफाई होने बाकी है, ठीक है ना. फिर everyone knows about these three levels. सबसे ऊपर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में बहुत सारी क्या होती है, वी हैव PM, प्राइम मिनिस्टर, एंड देन वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ रेल, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, होम मिनिस्ट्री, बराबर. उसमें वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA, अरुण जेटली मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है. अब MCA बना, MCA का काम क्या हो गया, लॉ स्कोप प्रॉपर बनाना, या आपने पढ़ा होगा कि वो तीन पिलर्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो MCA कौन हो गया, MCA और कंपनी एक्ट 2013 कम्स अंडर लेजिस्लेचर, दे मेक्स द लॉ. देन वी हैव, अच्छा MCA की है पूरे इंडिया में तो अकेला काम तो नहीं कर पाएगा, तो उसने क्या बनाई, बहुत सारी इंडिया में अलग अलग 7 RDs बनाई, रीजनल डायरेक्टर्स, विच हैज बीन डेलीगेटेड पावर टू कवर द एरियाज, रीजन्स. और रीजन भी क्या कवर करता है, जैसे हमारा महाराष्ट्र में जहाँ पे बिलोंग करता हूँ वहाँ पे वेस्ट RD है, तो कवर करता है महाराष्ट्र, बहुत बड़ा है, मतलब बिजनेस वाइज बात करूँ तो सबसे बड़ा गुजरात और महाराष्ट्र आता है बड़े स्टेट्स में बिजनेस में. मतलब आप जिस किसी भी सिटी का नाम ले लो, गुजरात में या महाराष्ट्र में, सारे सिटीज़ में क्या होता है, बिजनेस अच्छे से होता है. तो ये दो बड़े सिटीज़ में, स्टेट्स में आती है, तो अकेला RD संभाल नहीं पाता है. तो उन्होंने क्या बनाया उसके अंदर में, बहुत सारी ROCs बनाई. और फिर आपको ये भी पता होगा कि हर सिटी में एक, हर स्टेट में एक ROC है, एक्सेप्ट 2 स्टेट्स जहाँ पे डबल ROC है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ठीक है. और ऐसे कई सारे स्टेट्स ऐसे भी है जहाँ पे 2 स्टेट मिलाकर एक ROC है, जैसे पंजाब वाला, चंडीगढ़ वाला, फिर तेलंगाना और आंध्रा वाला, ठीक है, ऐसा करके बहुत सारे. और फिर नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत सारा है, वहाँ पे तो 5-6 स्टेट्स का मिलाकर बंच है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इतना बड़ा होने के बाद भी, मैं हमेशा बोलता हूँ क्लास में भी या हमेशा भी बोलता हूँ लेक्चर्स में, वीडियो में भी, कि नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन बिजनेस माइंड की बात करें तो कब सुनते हैं आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में, ना कभी पेपर में सुनने मिलता है, ना कुछ अच्छी बात सुनने मिलती है, ना कुछ बुरी बात सुनने मिलती है, कुछ नहीं होता वहाँ पे. इतना बोलते ना रीजनल इम्बैलेंस है हमारे कंट्री में. और किसी जिसको देखो उसको बिजनेस कहाँ चलाना है, मुंबई में,
या गुजरात में, तो गुजरात मुंबई मतलब ये जो महाराष्ट्र, ये दो चार स्टेट ऐसे हैं जो ग्रो ही ग्रो हो जा रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट पूरा ऐसा है जो बिजनेस एंगल से, ऑब्वियसली सिक्किम विक्किम जाएंगे तो टूरिज्म के लिए बहुत बेस्ट है, मैं बात करूँ कंपनी एक्ट बिजनेस एंगल से, या ऐसे भी छोड़ो आप, आपको मैं 7 स्टेट्स के नाम लेता हूँ, आपको पता हूँ कि कैपिटल के बारे में, त्रिपुरा ठीक है, मेघालय है, नागालैंड है, आधे लोग लगता है नागालैंड सर इंडिया में है, क्या हमको लगता था सर उधर थाईलैंड के बाजू में करके, ये इंडिया में ही है, ये बचपन में पढ़ा था, किसी को अभी सुनना ही नहीं आ रहा सर, हमने 10th से पढ़ा था इसमें ज्योग्राफी में, अभी सुना ही यार आपके मुँह से, मान रहे नहीं मान रहे बड़ी बात, बात समझो ये आयरन नहीं है, इस पर कोई हंसने वाली बात नहीं है, दुखद बात है हमारे लिए कि इतने अच्छे स्टेट्स होने के बाद भी ये लाइनेट भी नहीं है, क्योंकि कुछ होता ही नहीं यहाँ पे, सच में कुछ नहीं होता है, ना अच्छा ना बुरा, तो इतने बैकवर्ड स्टेट्स है, तो इसको डेवलप करने के लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम चलाती रहती है, सो दैट यहाँ पे बिजनेस चालू हो, यहाँ पे डेवलपमेंट हो, करते हैं, तो वहाँ पे भी ROC है वहाँ का पूरा मिला करके, ठीक है, तो ये तीनों आपको एरिया मालूम होंगे, ठीक है, वी हैव 7 RDs एंड देन वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ ROCs है, ठीक है, मैं जो पढ़ाऊंगा आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा, और आपको मालूम होना चाहिए अच्छे से कंपनी एक्ट में सेक्शन 1 एंड 2 जो हमने अब तक कवर किया, ठीक है, फिर मेन है इनकॉर्पोरेशन पूरा सेक्शन 3 से लेकर 22 तक के, जो नए सिलेबस वाले बच्चे यहाँ पे बैठे होंगे कोई, इनका नया सिलेबस होगा, उनके लिए ये सब्जेक्ट ये चैप्टर SBEC में आता है, ठीक है, सेटिंग ऑफ बिजनेस में आता है उनको भी ऑब्वियसली, बट सेटिंग ऑफ बिजनेस में आता है, जो CA वाले हैं या फिर ओल्ड वाले कंपनी लॉ एग्जीक्यूटिव उनके लिए ये पूरा है, प्रॉस्पेक्टस सेक्शन 23 से शुरू होता है गोज विथ 42 तक के, ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट पूरा चेंज हुआ है अभी, ठीक है, देन थर्ड इज शेयर कैपिटल डिबेंचर्स सेक्शन 43 से लेकर 72 तक के, देन वी हैव डिपॉजिट्स चार्जेस, ठीक है, बहुत कुछ हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, तो आपको सबको पता है, मैंने आपको बताया था क्या क्या हम लोग कवर कर रहे हैं, और सब हम लोग उस हिसाब से कवर करते चलेंगे, ठीक है ना।